का स्वागत है आपके अपने चैनल पर। यहाँ हम बात करेंगे उत्तर प्रदेश प्राथमिक शिक्षक भर्ती 2022 की। 6 जनवरी 2022 के बाद विज्ञापन जारी हो सकता है और पदों की संख्या जो होगी वो 17,000 होगी। इसी पर एक बयान और एक लेटर जारी किया गया है जिसमें आप देख सकते हैं उसकी पूरा का पूरा एनालिसिस हम करेंगे इस पर्टिकुलर वीडियो में कि 17,000 पद कैसे। मांगने तो गए थे 97,000 पद और मिले हैं 17,000 पद। तो इस पर हम चर्चा करने वाले हैं कि 97,000 पदों के सापेक्ष 17,000 पद कैसे। तो आइए शुरू करते हैं आज का ये महत्वपूर्ण वीडियो। उससे पहले अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। देखिए, सबसे पहले हम आपको क्लियर कर देते हैं जो लास्ट में जो विज्ञापन के बारे में बताया गया है सीधा उसी के बारे में ही देख लेते हैं। यहाँ पर ये बॉक्स में जो हम बंद कर रहे हैं उसे आप देखिए ध्यान से। इससे जब आप देखेंगे तो ये पूरा का पूरा विवरण आपको क्लियर हो जाएगा। तो यहाँ देखिए, जब हम बात करते हैं 2000 जो है 17 के आसपास की, 2018 में, 2018 पूरी क्रोनोलॉजी को समझिए अगर डिटेल में समझना चाहते हैं। 2018 में सुप्रीम कोर्ट ने एक आदेश दिया था जिसमें शिक्षा मित्र जो है का जो वापस हो गए थे वो सभी लोग शिक्षा मित्र के पद पर वापस आ गए थे जो जिनका समायोजन हुआ था। फिर ये सितंबर की बात है 2018 में। फिर उसके बाद क्या हुआ कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि उन्हें जो है देखिए 25/7/2021 का यहाँ पर ब्यौरा भी दिया गया है, आप एक्सप्लेन करके देख सकते हैं। 25/7/2012 का आदेश है सुप्रीम कोर्ट का, माननीय सर्वोच्च न्यायालय का। उसके तहत जो है एसएम अपने पुराने पद पर वापस आ गए थे। तो उसमें उन्होंने कहा था कि इन्हें दो मौके दो चरणों में भर्ती करने का आदेश दिया गया था, लेकिन सरकार ने उसे दो तरीके से भरने की कोशिश की और एक कोशिश की उन्होंने 68,500 की, दूसरी की 69,000 पदों की भर्ती की। और इस प्रकार, क्योंकि जब ये टोटल भर्ती उन्होंने की, यहाँ पर आप देख सकते हैं ये जो भर्ती दो टोटल की गई यहाँ पर 69,000 की, 69,000, और आपकी जो भर्ती थी 68,000, 68,500, ये टोटल भर्ती यहाँ पर की गई। तो कुल पदों की संख्या जो भरी गई वो 1,37,500 पदों की भरी गई। अब इसके बाद ये तो दो चरणों में भर्ती हो गई की गई और चयन प्रक्रिया के उपरांत लगभग 17,000 पदों पर नई भर्ती किए जाने का भी निर्णय लिया गया है। तो यहाँ आप देख सकते हैं ये तो दो पद दो बार इन्होंने 1,37,000 के पदों को भरने की कोशिश की गई। उसके बाद नई भर्ती, देखिए यहाँ पर इन्होंने बताया है कि नई भर्ती का निर्णय लिया गया कितने रिक्त पदों पर, इसके उपरांत 17,000 नए रिक्त पदों पर जो है बात की जाएगी। तो ये नई भर्ती आएगी क्योंकि अब आएगी 6 तारीख, हमने क्यों कहा क्योंकि देखिए जो इसका चरण है यानी सहायक अध्यापकों के जो लगभग 6,000 अभ्यर्थियों की होगी, इसमें जो नियुक्ति होनी है 6,000 अभ्यर्थियों की, तो उसके बारे में उसका टाइम टेबल जारी कर दिया गया है। और टाइम टेबल ये इस प्रकार है, आप देख सकते हैं यहाँ पर। तो यहाँ जो टाइम टेबल प्रोवाइड कराया गया उसमें 30/12 यानी 30 दिसंबर 2021 को प्रकाशन किया जाएगा सूची का। फिर उसके बाद 3 तारीख से जो है 2022 तक जो है इसका परीक्षण और अभिलेख का सत्यापन होगा 5 तारीख तक। फिर उसके बाद 6 तारीख को इसकी नियुक्ति दे दी जाएगी। और जब ये नियुक्ति दे दी जाएगी कितने 6,000 लोगों को जो है नियुक्ति पत्र दे दिया जाएगा, जो फोर्थ काउंसलिंग होगी, फोर्थ काउंसलिंग इसको कहा जाएगा जो 69,000 की थी। तो उसी के टर्म्स में अब जो है इसके बाद ही कुछ भी हो सकता है, तो उसके बाद जब होगा तो वो यहाँ 17,000 पदों की बात की जा सकती है। तो यानी जनवरी में संभावनाएं होंगी पूरी की पूरी कि ये 17,000 आपके चुनाव की आचार संहिता लगने से पहले ये विज्ञापन जारी हो जाए। तो सभी लोग लगे रहें, यूपी टेट फिर सुपर टेट, तो ये सभी चीज़ें लगातार आपको मिलती रहेंगी क्योंकि 23 जनवरी को यूपी टेट है, 23 जनवरी को आपका जो है यूपी टेट होना है और उसी के बाद सुपर टेट का नंबर आपका आएगा। तो मिलते हैं अगली अपडेट के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।